झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जोरदार तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं चंपई सोरेन के जीएमएम का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का ऐलान करने के बाद से सियासी बयानबाजी और आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तूल पकड़ चुका है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा के लिए भाजपा के प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कथित जासूसी के मामले को लेकर कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री तो जासूस निकले। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक डरा हुआ मुख्यमंत्री करार दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक डरा हुआ सीएम अपने मंत्री की जासूसी करा रहा है। जीएमएम और गठबंधन में जितने मंत्री और विधायक हैं सबकी जासूसी हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि 2 महीने जिसको मुख्यमंत्री रहना है वो 1 महीने का मंत्री भी बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपई सोरेन का इन लोगों ने अपमान किया। चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो उचित नहीं था। झारखंड के मुख्यमंत्री तो जासूस निकले, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री अपने मंत्री की जासूसी करा रहे और एक की जासूसी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन में जितने मंत्री और विधायक है सबकी जासूसी हो रही है। और 2 महीने जिसको मुख्यमंत्री रहना है वो 1 महीने का मंत्री भी बना रहे हैं। चंपई सोरेन जी का जो अपमान किया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ व्यवहार हुआ है, अच्छा काम कर रहे थे वो, झारखंड को पटरी पर लाने की उन्होंने कोशिश की, गलत वसूली करने वालों के काम रोके और उसका बदला चुकाना पड़ा। अपमानित होकर उनको इस हद तक आहत किया गया कि झारखंड बचाने के लिए उन्होंने जेएमएम छोड़ दिया। जेएमएम तो अब जासूसी मोर्चा हो गया है, पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद है। नोटों के ढेर जो बरामद हुए सत्ताधारी पार्टी के लोगों के यहां से, मंत्री के यहां से, वो झारखंड की जनता की लूट की दास्तान बयान कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, बेटियों से शादी करके जमीनें छीनी जा रही है, भ्रष्टाचार की अति है, जुर्म की पराकाष्ठा है, बालू बाल्टी में बिक रही है। इस सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को उखाड़ के फेंके। शिवराज जी, लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि झूठ बोलते हैं, वो जो जिस जासूसी की बात आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो सिक्योरिटी में लगे हुए। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है मित्रों। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम से नाता तोड़ लिया है, जिसके बाद चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं झारखंड की राजनीति में इसे बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।